टू अलीनास कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का पालक और ब्रोकोली का साग। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ली है मैंने 400 ग्राम पालक है, जिसे मैंने खुले पानी से धो कर रख लिया है, और एक अदद लिया है मैंने ब्रोकोली का फूल, वो भी तकरीबन 400 ग्राम है। ब्रोकोली को धोकर मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। हाफ टेबल स्पून लिया है नमक। सबसे पहले हम देगची में पालक डाल देंगे और बाद में ब्रोकोली डाल देंगे। हम लोग इसमें पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अपने पानी में ही पकेगा। जो हमने हाफ टेबल स्पून नमक लिया था, अब वो भी ऐड कर देंगे और 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तड़का लगाने के लिए ली है मैं तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, 3 अदद लहसुन के जोए और 2 टुकड़े अदरक के, और 4 खाने के चम्मच लिया है मैंने देसी घी, 1 टेबल स्पून ली है कसूरी मेथी और 2 टेबल स्पून लिया है मकई का आटा। आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ली है क्रश चिली। मिर्चों को इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अदरक और लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक कद्दूकश कर लिया है, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक काट लें। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और देखें ब्रोकोली और पालक हमारी गल चुकी है, मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। अब हम इसे हैंड मिक्सर के साथ मिक्स कर लेंगे और देखें ये बहुत ही अच्छा मिक्स हो गया। अगर आपके पास वो पाकिस्तान में एक होता था मिक्स करने वाला, अगर आपके पास वो है तो आप उसके साथ भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं हैंड मिक्सर के साथ ही मिक्स करूंगी। 2 टेबल स्पून जो मकई का आटा लिया था, अब वो डाल के हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस आप इसे मिक्स करते जाएं, मिक्स करते जाएं, ताकि साग और जो मकई का आटा लिया है वो यकजान हो जाए। हम लगा लेंगे तड़का। एक पैन में सबसे पहले हम जो 4 खाने के चम्मच मैंने देसी घी लिया था वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा होममेड देसी घी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अदरक जिसे बिल्कुल बारीक कर लिया था, वो 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हम इसमें जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्जी से हरी मिर्ची कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और जो क्रश चिली ली थी वो भी ऐड कर देंगे। एक दफा इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने जो साग बनाया था वो ऐड कर देंगे, और अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। साग जब मसाला जात के साथ मिक्स हो जाए तो जो हमने कसूरी मेथी ली थी, अब वो ऊपर डाल देंगे। पालक और ब्रोकोली का साग हमारा बनकर तैयार है। जब आप बनाएंगे तो आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप सरसों का साग खा रहे हैं। प्लीज आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।